जय हिंद साथियों, नमस्कार। फिलहाल मैं हूँ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं उनके बारे में थोड़ी सी मतलब मैं जानकारी लेता हूँ कि किस तरीके से इनका मानदेय, कार्यक्रम, दिन भर में कैसे एक्टिविटी रहती है, वो सारी चीज़ें। क्योंकि अलग प्रत्येक स्टेट की अलग अलग पॉलिसी होती है, और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही इनको मानदेय या फिर टाइम, ड्यूटी, ये सारी चीज़ें दे होती हैं। अब यहाँ पर महाराष्ट्र में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं इनकी क्या स्थिति है, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ पाएगी। फिलहाल यहाँ पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारे साथ में है जिनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप नाम बता दीजिए, क्या नाम है जी आपका? जय श्री काका साहेब गोरे। जय श्री काका साहेब गोरे आपका नाम है। आपकी जो आंगनबाड़ी के अंदर ड्यूटी करते आपको कितने साल हो गई? 32 वर्ष। 32 साल से आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, क्या बात है, 32 साल हो गई ड्यूटी को। तो आंगनबाड़ी जो है आपकी कितनी दूर है यहाँ से, कितनी दूर है? किलोमीटर है, मतलब लगभग आधा किलोमीटर, 500 मीटर की लगभग दूरी पर ही आंगनबाड़ी आपकी है। ओके, नज़दीक है बोले तो। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं आंगनबाड़ी में, तुम्हारे टोटल कितने बच्चे होंगे अभी? 0 to 6 years, 58 क्या बात है, 58 बच्चों का इनरोलमेंट है, नामांकन है उनका। तो 58 बच्चों को कितने कार्यकर्ता हैं की ड्यूटी है वहाँ पे? 3 to 6 years, 32 लाभार्थी नंतर ती छोटे लाभार्थी थे। उनमें से मैं ये बोल रहा हूँ कि वहाँ पे आपकी टोटल कितने वहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है, आप कितने कर्मचारी हैं वहाँ पे, कहने का मतलब? दो हैं। तो दोनों फिलहाल ऑन ड्यूटी हैं क्या, मतलब उनमें आते क्या उधर आंगनबाड़ी के अंदर? मैडम रिटायर, अच्छा, मतलब दो महिला कर्मचारियों की ड्यूटी थी जिनमें से एक का रिटायरमेंट हो गया, हाथा खाली बाई रिटायर झाली म्हणून मी दोन्ही काम करते। अच्छा, तो अभी वो रिटायर हो गई तो आप अकेले हैं? हाँ, एकलेच आहे। तो उनका काम भी आपको संभालना पड़ता है? ओ, संभालना पड़ता है। क्या बात है। अभी मतलब वहाँ पे फिर आपका थोड़ा सा मानदेय की बात करें तो मानदेय कितना रहता है, मानदेय बोले तो पेमेंट, वेतन पेमेंट, कितना रहता है पेमेंट? पैसे माला 10,000 रुपये पेमेंट है। अच्छा, 10,000 रुपये मासिक, दर माह 10,000 रुपये पेमेंट। ओके, इसके अलावा कहीं कई बार प्रशिक्षण पे जाना पड़ता है, दूर कोई गांव में जाना पड़ता है, सर्वे वगैरह में ऐसे ड्यूटी रहती है क्या तुम्हारी? हो, रहती। अच्छा, तो सर्वे वगैरह में, गांव में, प्लस पोलियो वगैरह में भी ड्यूटी आती है आपकी? आती। तो उसमें फिर अलग से एक्स्ट्रा पेमेंट मानदेय दिया जाता है आपको? थोड़ा देते दवाखाने लोगों पर, आता आशा कार्यकर्ती नेम लेते ती करते। अच्छा, आशा कार्यकर्ता ही ज़्यादा काम करती हैं और उनको मिलता उतना ही, अगर आपको काम करना पड़े तो उसी हिसाब से आपको मिलना देते हैं वो। ठीक है, अभी रिटायरमेंट का क्या रहता है, कितने साल की नौकरी रहती है आपकी? रिटायरमेंट 65 वर्ष। 65 वर्ष का है, तो मतलब परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय में आता है क्या आपका? नहीं, परमानेंट नहीं आता। नहीं, मानदेय नहीं, मानदेय पर ही आप हैं। ओके, अब बच्चों को दिन भर में क्या क्या एक्टिविटी करवानी पड़ती है? 9 to 12 पर्यंत त्यांना शिकवायचं, खाऊ पिऊ घालायचं, 10:30 ज्याला त्यांना जेवायला द्यायचं, आल्या प्रार्थना, कसे आलंय, काय नाही, स्वच्छ आहे का ते बघायचं, पुन्हा प्रार्थना घ्यायची, पुन्हा गाणी गोष्टी शिकवायच्या, काही थोडं इंग्रजी शिकवायचं, नंतर जेवायला द्यायचं, जेवाय दिल्यानंतर घरी सोडायचं 12:00। दो बार खाना मिळतं उन्हें? दो बार द्यायचं, खीर एकदा द्यायची आणि खिचडी एकदा द्यायची। मतलब दो टाइम में आंगनबाड़ी के अंदर बच्चों को दो टाइम में खाना दिया जाता है, बीच में पहले जाते सीखने के लिए टाइम होता है, फिर खेलने के लिए क्रीड़ा का टाइम होता है, लास्ट में कुछ इस तरीके से एक्टिविटी रहती है। तो ये सारा कार्यक्रम आंगनबाड़ी से संबंधित हमने देखा और समझने का प्रयास किया। ओके जी, धन्यवाद, थैंक यू।